Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progression. This is question number 2nd, exercise 5.1, page number 99 from NCERT. It says, write first four terms of the AP. When the first term is A, first term ko A bolte, and the common difference D are given below. So, me is series ke first term diya hai aur common difference diya hai, aur iske next four terms nikalna. So, first part. Next four terms. First term given hai, from second term nikal rahe. Second term ka formula is a plus d. A is 10, d is also 10, that means kya gaya 20. Next term nikalna hai a3. a3 kaise nikalega? Sirf second term a plus 2d. Isko nikalne ka formula hai. First second term nikal rahe ho aap to a plus d. Third nikal rahe ho to a plus 2d. A is 10, 2d. So 10 plus 20 means 30. A4, A plus 3D, 10 plus 3 into 10, so 10 plus 30 means 40, ये fourth term आ गया. Same as fifth term इसका है A plus 4D, so 10 plus 4 into 10 is equal to 10 plus 40 means 50. तो ये मतलब sequence आ गया, 10, 20, 30, 40, 50. First term 10 given था, फिर सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म बन गया एपी सीरीज. सबका कॉमन डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस भी सेम है, 10-10 का डिफरेंस है. सो जब भी आप एपी सीरीज बनाते हो, ये ए प्लस डी ए प्लस टू डी इस फॉर्मूला से निकालना है. फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन, विच इज ए प्लस एन माइनस वन डी. तो अगर मुझे इसकी सेकेंड टर्म निकालनी है तो एन में हम टू पुट करेंगे, ए प्लस टू माइनस वन, जहां जहां एन एन हमने टू पुट कर दिया, ये बन गया टू माइनस वन वन, वन इंटू डी इज डी. सेकेंड टर्म आ गई ए प्लस टू डी. इस तरह से सेकेंड टर्म आ गई ए प्लस डी. इस तरह से फॉर्मूला बनता है. सो जो भी टर्म लिख रहे हो उससे एक पहले वाली टर्म करके लिखना है आपको. नाउ सेकेंड पार्ट. फर्स्ट टर्म इज माइनस टू, कॉमन डिफरेंस इज जीरो. जब ए टू निकालोगे तो वो होगा ए प्लस डी. फर्स्ट टर्म है माइनस टू प्लस जीरो मीन्स प्लस माइनस 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 टू. थर्ड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस टू डी, तो माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, तो माइनस टू प्लस जीरो, जीरो इंटू टू इज जीरो, अगेन माइनस टू. अब कॉमन डिफरेंस अगर जीरो का है दैट मीन्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो ये टर्म्स आगे चलती जाएंगे. ए फोर में भी यही करेंगे, ए प्लस थ्री डी, तो माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो, दैट मीन्स माइनस टू प्लस जीरो मीन्स माइनस टू. ए फाइव के लिए अगेन ए प्लस फोर डी, that means minus 2 plus 4 into 0 means minus 2 plus 0 means minus 2. इस तरह से हमने टर्म्स निकाली. तो फर्स्ट टर्म माइनस टू थी, क्वेश्चन में गिवन थी. सेकंड टर्म हमने निकाली माइनस टू, थर्ड टर्म माइनस टू, फोर्थ टर्म माइनस टू, फिफ्थ टर्म माइनस टू. माइनस टू माइनस टू इसलिए आया क्योंकि कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बीच में जीरो का डिफरेंस था, जीरो मीन्स नथिंग, सो ये ऐसे ही एड होना चाहिए. पार्ट नंबर थ्री. थर्ड पार्ट. यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस वन, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम करते हैं ए प्लस डी. तो माइनस वन और डी गिवन है वन बाय टू, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का तो माइनस वन बाय. सेम इज थर्ड टर्म विच इज ए प्लस टू डी. फर्स्ट टर्म माइनस वन, टू इंटू वन बाय टू कैंसिल हो गया, तुम्हारे बचा माइनस वन प्लस वन मीन जीरो. ए फोर जो होता है ए प्लस थ्री डी, तो ए इज माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन बाय टू, माइनस वन प्लस थ्री बाय टू, तो बन गया माइनस टू प्लस थ्री बाय टू मीन्स वन बाय टू. ए फाइव मीन्स ए प्लस फोर डी, ए इज माइनस वन, फोर डी इज वन बाय टू, सो टू वन जा टू टू जा, सो माइनस वन प्लस टू प्लस माइनस माइनस मीन्स वन. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी माइनस वन, सेकेंड टर्म आई हमारे पास माइनस वन बाय टू, थर्ड टर्म आई जीरो, नेक्स्ट टर्म आई हमारे पास वन बाय टू, एंड उसकी नेक्स्ट टर्म आई वन. सो ये बन गया हमारा सीरीज. सेम इज पार्ट नंबर फाइव.
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25, सेकेंड टर्म होती है a प्लस बी, दैट मीन्स -1.25 प्लस डी गिवन है -0.25, सो प्लस माइनस माइनस, आई मीन माइनस माइनस इज प्लस, एड करके हमारे पास आएगा -1.50। ए थ्री निकाला वो होता है ए प्लस टू डी, ए हमारे पास है -1.25 प्लस टू, बी इज -0.25, तो ये आया -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50, माइनस माइनस इज प्लस, तो -1.75। सेम वे इज ए फोर, तो क्यों होता है ए प्लस थ्री डी, फर्स्ट टर्म इज -1.25, बी -0.25, रिजॉल्व करके आया -1.25 -0.75, तो यहां से ये टर्म्स एड होकर आ गया हमारे पास -2। सो थर्ड टर्म 0.75 -2, सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ए फाइव, ए प्लस फोर डी, सो फर्स्ट टर्म इज -1.25 4 इंटू माइनस दिस, सो -1.25 प्लस माइनस माइनस साइन, तो ये आएगा 1, तो ये बन गया -2.25। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी -1.25, फिर हमारे पास आया -1.50, क्योंकि ये 2.5 था, क्योंकि हमने 1.5 में जब 0.25 ऐड किया तो यहाँ 1.50, देन हमारे पास आया -1.75, देन आया हमारे पास -2, देन -2.25। सो ये वैल्यूज हमारे पास आ गए इसके, तो इस तरह से जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज करके इसमें पुट कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी और आरटी से ट्राई कर सकते हो। कोई भी डाउट हो प्लीज डू राइट टू अस एंड वी वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।